सो हाय गाइस, वेलकम टू नेशनल। मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में। सो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस गाइड करने वाला हूं और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जो कि एक बिगनर ब्लॉगर हैं और आप जो कि ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं, ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से जो कि ब्लॉगिंग में बहुत ही कम समय में जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें ट्राफिक गेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ब्लॉगिंग में कैसे आप सक्सेस होंगे। जो भी बड़े ब्लॉगर हैं, जितने भी एडवांस ब्लॉगर हैं, वो किस प्रकार से सक्सेस होते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ब्लॉगिंग की शुरुआत करना बहुत ही इजी है। कोई भी जो है कि ब्लॉगिंग की शुरुआत कर सकता है। यहाँ पे सिंपली एक डोमेन लगता है और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेबसाइट को डिजाइन करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो पैसे दे के भी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ब्लॉगिंग की शुरुआत करना बहुत ईजी है। आप चाहें तो इस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, उसके बाद जो कि यहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन आर्टिकल लिखना और वेबसाइट को डिजाइन करना, यहाँ पर अगर हम बात करें डोमेन को ले लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन पैसे कमा पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ गलती क्या हो रही है। यहाँ पे गलती ये हो रही है कि ज़्यादातर ब्लॉगर जो बिगनर है वो क्या कर रहे हैं कि डोमेन फटाफट ले रहे हैं, एक नहीं दो दो तीन तीन डोमेन ले ले रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आर्टिकल बहुत लिख रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊँ, आर्टिकल लिखना, कीवर्ड रिसर्च करना और जो भी तरीके हैं ट्रैफिक लाने का, क्योंकि मेन फंडा यहाँ पे है ट्रैफिक का। अगर आप ट्रैफिक नहीं लाओगे तो आपको कोई इनकम नहीं होगा। सपोज करिए कि आपने जो कि एक डोमेन भी ले लिया, आपने जो कि एक वेबसाइट भी डिजाइन कर ली कुछ इस तरीके की, आपने जो कि यहाँ पे एडसेंस अप्रूव्ड करा लिया, क्योंकि एडसेंस अप्रूव्ड कराना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जैसे ही ये वेबसाइट डिजाइन करोगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी आर्टिकल लिखोगे अगर एडसेंस अप्रूव्ड नहीं रहेगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पर इनकम होगी नहीं। तो यहाँ पे जरूरी है एडसेंस अप्रूवल कराना। तो सपोज करिए कि आपने एडसेंस भी अप्रूव्ड करा लिया है। अब एडसेंस अप्रूव्ड कराने के बाद भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनकम करने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता दूँ, ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं आ रही है, आपकी ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रही है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आपको इनकम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पर इनकम कर ही नहीं पाओगे, आपको सालों लग जाएंगे। आप यहाँ पर जो कि अपने डोमेन को रिन्यूअल कराते रह जाओगे। ये जो डोमेन हम लेते हैं, आप सभी को पता होगा, इस डोमेन को हम रिन्यूअल कराते हैं एवरी ईयर, जो कि हम इसे रिन्यूअल कराते हैं, उसका ऐसा हमें फ्री में देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग होस्टिंग ले लेते हैं। होस्टिंग लेने के बाद जो है कि उसके ऊपर काम करते हैं और एक साल चले जाते हैं। होस्टिंग का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है गाइस। यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ, जो होस्टिंग का चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 हज़ार के बीच में होस्टिंग का चार्ज होता है। सपोज करिए बहुत सारे लोग जो कि शेयर होस्टिंग ले रहे हैं, तो शेयर होस्टिंग लेने के बाद भी अगर उनको कोई इनकम नहीं आ रही है तो एक साल का पूरा पैसा उनका वेस्ट होता है। सो इस चीज़ को आप समझिए। अगर आप जो कि ब्लॉगिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर आपने जो कि ब्लॉगिंग की शुरुआत कर दी है तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, किस पे आपको काम करना होगा, किस पे आपको फोकस करना होगा और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि ट्रैफिक, ट्रैफिक कैसे ड्राइव करें अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आना पड़ता है। अब ट्रैफिक का फंडा क्या है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ट्रैफिक जो है कि जरूरी है ट्रैफिक लाना, और ट्रैफिक का फंडा क्या है। देखिए ट्रैफिक का फंडा बहुत ही सिंपल है अगर आप समझेंगे तो, लेकिन अगर आप इसको डिफिकल्ट तरीके से लेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है। देखिए दो तरीके से ट्रैफिक आप ड्राइव कर सकते हैं जो कि सबसे जेन्युइन है। पहला तरीका ये है कि आप गूगल के माध्यम से ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर, जिसके माध्यम से आपको इनकम होगी। दूसरा तरीका है अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया का, उसी का आपको इस्तेमाल करना होगा और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज आप बैकलिंक्स बनाते बैठिए, बैकलिंक्स से आपको इनकम होती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज बैकलिंक्स पे भी ट्रैफिक आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ज़्यादातर यूज़र हम बात करें यहाँ पे जो कि फेल हो रहे हैं बैकलिंक्स बनाने में, क्योंकि बैकलिंक्स बनाना भी इतना इजी टास्क नहीं है। सबको लगता है कि बहुत इजी तरीके से हम बना लेंगे, क्योंकि एक वेबसाइट पे नहीं बनाना पड़ता है, काफ़ी सारी वेबसाइटों पे हमें बैकलिंक्स बनाना पड़ता है, जिसके बाद हमारी वेबसाइट की ग्रोथ यहाँ पे धीरे धीरे दिखती है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा अगर आप चाहते हैं कि जल्दी फास्ट तरीके से ग्रो करना, तो कुछ ऐसे टूल्स का आपको इस्तेमाल करना होगा जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम में काम करती हैं और आपकी जो कि आर्टिकल को और ज़्यादा बूस्ट करती हैं, आपकी जो ब्लॉग है उसको और ज़्यादा बूस्ट करती हैं। क्योंकि ये जो आर्टिकल आप लिखते हैं इसमें कीवर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रोल यहाँ पे अदा करते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि बेहतरीन कीवर्ड्स को फाइंड आउट करके यहाँ पे काम करना है और कंटिन्यू आपको काम करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल भरने से अच्छा है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन कीवर्ड को रिसर्च करके कम से कम आर्टिकल को भरें। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोशिश आपको ये करना है कि आपकी जो भी ब्लॉग है, जो भी वेबसाइट है, वो जो है कि एक बेहतरीन तरीके से आपको उसको डिजाइन करें, प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करें। और कोशिश करें कि जो भी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे हो, क्योंकि वर्डप्रेस पे
काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में जो कि ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तो आप ब्लॉगर पे ही रहिएगा। आप कोशिश करिएगा कि आप वहाँ से जो कि अपने ब्लॉग को जो कि वर्डप्रेस पे लाने की कभी मत सोचिएगा, क्योंकि आपको वर्डप्रेस पे आएंगे और वर्डप्रेस को नॉलेज लेते लेते आपको काफ़ी समय चला जाएगा और आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि पहले ब्लॉगर पे रहिए, ब्लॉगर से अर्निंग करिए, कुछ इनकम करिए, उसके बाद ही वर्डप्रेस पे आप आइएगा। तो ये सारे तरीके हैं जो कि अगर हम बात करें एक बिगिनर ब्लॉगर को नहीं पता होता है, और अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये साबित हो सकता है ये वीडियोस। आप जो कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे वर्डप्रेस की कंप्लीट सीरीज के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट सीरीज कैसे आप जो कि वर्डप्रेस पे आप सीख सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आप कैसे सीखेंगे वर्डप्रेस। हर एक डिटेल्स मैं आपको एनुअल ट्यूटोरियल में एक एक करके सीरीज वाइज लेके आऊँगा और बताऊँगा। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।